तो फाइनली गाइस हमारे गेम के अंदर न्यू पुलिस स्टेशन ऐड हो चुका है। इसका पिक्स गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और जेल के अंदर गाइस कैदी को भी ऐड कर दिया गया है जिसका पिक्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो आरजी स्कूल के अंदर कौन सी कोड डाल के पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस मैन को ऐड कर सकते हो और साथ ही जेल के अंदर कैदी को ऐड कर सकते हो, चलो मैं आप लोग को बताता हूं। उससे पहले गाइस आप लोग ये देख लो गाइस मैं अपने गेम के अंदर रॉकेट लंबोर्गिनी को ले लिया। रॉकेट लंबोर्गिनी काफी ज्यादा ऑसम लग रही है, तो आप लोग अपने गेम के अंदर रॉकेट लंबोर्गिनी को कैसे ले सकते हो और इसका चीट कोड नंबर क्या है चलो मैं आप लोग को बताता हूं। और गाइस आप लोग ये देख लो गाइस मैं अपने गेम के अंदर न्यू मोबाइल फोन को ले लिया और न्यू मोबाइल फोन के अंदर काफी सारे फीचर है आप लोग पे देख सकते हो। तो आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस न्यू मोबाइल फोन को कैसे ले सकते हो चलो मैं आप लोग को बताता हूं। और गाइस आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हो कि भाई इस बार की अपडेट में पुलिस बाइक देखने को मिलेगा, तो गाइस मैं आप लोगों को यही बताऊंगा गाइस इस बार की अपडेट में आप लोगों को पुलिस बाइक देखने को मिलेगा फिर नहीं। और साथ में गाइस मैं आप लोगों को इन्हें बाइक ड्रम थ्रीड गन का खतरनाक वाला गुड न्यूज देने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग खुशी से नाचने वाले हो। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। गाइस आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं कराए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों ने बाइक ड्राइविंग थ्रेड गेम पर न्यू अपडेट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और गाइस आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं कराए तो उसका भी लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप लोग फॉलो कर लेना क्योंकि गाइस आप लोग न्यू अपडेट्स से रिलेटेड मेरे को भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड मैं उसको जवाब 100% दूंगा, तो आप लोग फॉलो जरूर कर लेना। और गाइस आप लोग अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग जाकर सब्सक्राइब करो। मैंने सेकंड चैनल में वीडियो डाल दिया है कि ओल्ड वर्जन को कैसे डाउनलोड करें तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का गाइस 4K लाइक का टारगेट है तो आप लोग 4K लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले गाइस आप लोग आरजी स्कूल की मदद से जेल के अंदर कैदी को कैसे ऐड कर सकते हो और साथ ही गाइस पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस मैन को कैसे ऐड कर सकते हो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। उसके लिए गाइस आप लोगों को पुलिस स्टेशन के ऊपर वाले फ्लोर पे जाना होगा, लेकिन यहां पे रास्ता बंद है तो ट्रिक की मदद से सबसे पहले तो आप लोगों को ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है ऊपर वाले फ्लोर पे कैसे जाते हैं तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो उसके लिए गाइस आप लोगों को यहां पे 9129 डायल कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद आप लोगों को एक जेट पैक को स्पॉन कर लेना है और आप लोगों को जेट पैक के अंदर इंटर कर जाना है। और गाइस मैं जिस तरह से यहां पे जेट पैक को फ्लाई करूंगा उस तरह से आप लोगों को भी जेट पैक को फ्लाई करके यहां पे जेट पैक को लगाना है। तो ऊपर वाले फ्लोर पे गाइस जो आप लोगों को मिरर दिखाई दे रहा है उसके सामने आप लोगों को कुछ इस तरह से गाइस जेट पैक को लगा देना है। तो जेट पैक नीचे आ चुका है तो आप लोगों को जेट पैक को फॉरवर्ड करके ऊपर ले जाना है और आप लोगों को जेट पैक से एग्जिट हो जाना है। तो गाइस आप लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाओगे, आप लोग देख सकते हो गाइस हमारा जो कैरेक्टर है वो ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुका है। तो गाइस ऊपर वाले फ्लोर के अंदर जो काउंटर लगेगा उस पे भी आप लोगों को पुलिस मैन देखने को मिलेगा और ऊपर वाले फ्लोर में आप लोगों को सीढ़ी के बगल में भी जेल देखने को मिलेगा। नीचे से ज्यादा फीचर ऊपर वाले फ्लोर पे रहने वाला है क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर के अंदर गाइस काफी सारे जगह है तो इसमें आप लोगों को काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। एंड अगर आप लोग पुलिस स्टेशन के अंदर आते हो तो पुलिस स्टेशन के बाहर जाने के लिए आप लोगों को 1120 डायल करना होगा, यानी कि स्काईफॉल का चीट कोड नंबर डायल करना होगा तभी गाइस आप लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जा पाओगे। अगर आप लोग पुलिस स्टेशन के ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हो तो इसी वाले ट्रिक से आप लोग बाहर निकल सकते हो, नहीं तो आप लोगों को गेम है वो वास्टेड करना पड़ेगा। आप लोग को बस गाइस आप लोग जेल के अंदर कैदी को कैसे ऐड कर सकते हो और पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस मैन को कैसे ऐड कर सकते हो। गाइस आप लोगों को कुछ दिन पहले अपडेट मिला था जिसके अंदर आप लोगों को पुलिस स्टेशन मिला था और इसके अंदर गाइस आप लोगों को पुलिस मैन देखने को नहीं मिला था और जेल के अंदर कैदी भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन गाइस अब जो अपडेट आएगा और आप लोग गेम को अपडेट करोगे तो पुलिस स्टेशन के अंदर आप लोगों को पुलिस मैन भी देखने को मिलेगा और जेल के अंदर कैदी भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को एक साथ ही देखने को मिलती है, लेकिन आप लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट करा इसलिए डेवलपर हमारे गेम के अंदर बिना पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस मैन और जेल के अंदर बिना कैदी को ऐड किए हुए अपडेट कर दिए थे क्योंकि आप लोग अपडेट का काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। आने वाले अपडेट के अंदर पुलिस स्टेशन में आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा वो मैं आप लोग को बताता हूं। आने वाले अपडेट में आप लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस मैन देखने को मिलेगा, स्टार चेंज देखने को मिलेगा और आप लोग को एलईडी बल्ब देखने को मिलेगा। जेल के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा वो भी मैं आप लोग को बता दूं। जेल के अंदर एनपीसी टाइप का कैदी देखने को मिलेगा, बेड देखने को मिलेगा और साथ ही आप लोगों को विस्लेरी वाले बोतल देखने को मिलेगा। इतना चीज आप लोगों को जेल के अंदर देखने को मिलेगा। और गाइस आप लोगों से एक क्वेश्चन है, गाइस आप लोग आरजी स्कूल की मदद से पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस मैन को स्पॉन करना चाहते हो और जेल के अंदर कैदी को स्पॉन करना चाहते हो तो आप लोग यस का कमेंट कर देना। अगर आप लोग यस का कमेंट कर दोगे तो डेवलपर आरजी स्कूल के अंदर वो कोड डायल कर देंगे एंड वो कोड डायल करोगे तो पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस मैन एक्टिवेट हो जाएगा और जेल वाला कोड डायल करोगे तो जेल के अंदर कैदी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप लोग अधिक से अधिक कमेंट नहीं करोगे तो हमारे गेम के अंदर जो पुलिस स्टेशन मिलता है उसके अंदर डायरेक्ट पुलिस मैन को भी ऐड कर दिया जाएगा और डायरेक्ट जेल के अंदर कैदी को भी ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग आरजी स्कूल की मदद से पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस मैन और जेल के अंदर कैदी को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप लोग यस का कमेंट जरूर कर देना। और पुलिस स्टेशन के अंदर आप लोग क्या क्या चीजें ऐड करवाना चाहते हो वो भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना ताकि मैं डेवलपर को बता के ऐड करवा सकूं। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर रॉकेट लंबोर्गिनी को कैसे ले सकते हो और इसका चीट कोड नंबर क्या है। तो चलो मैं आप लोग को रॉकेट लंबोर्गिनी का चीट कोड नंबर बताता हूं। उससे पहले मैं आप लोग को न्यू अपडेट में आने वाली कुछ न्यू चीट कोड नंबर भी बता देता हूं। तो जैसे आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस 6677 डायल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर गाइस जस भी स्पॉन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो जस भी स्पॉन हो चुका है। और जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 8880 डायल करोगे तो आप लोग गेम के अंदर न्यू अपडेट में आने वाली हैमर कार देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग हैमर का कलर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आप लोग जो भी कलर करना चाहते हो वो आप लोग कर सकते हो। एंड जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 3100 डायल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर ब्लू रो
देखने को मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हो बोलेरो कार स्पॉन हो चुका है। आप लोग काफी ज्यादा कमेंट करें कि भाई कोबरा बाइक का चीट कोड नंबर क्या है, कोबरा बाइक का चीट कोड नंबर बताओ। तो चलो मैं आप लोग कोबरा बाइक का चीट कोड नंबर बताता हूँ। तो उसके लिए आप लोग को 4x4 डाल करना होगा। एंड आप लोग गेम के अंदर कोबरा बाइक देखने को मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हो कोबरा बाइक स्पॉन हो चुका है। अगर आप लोग अपने गेम के अंदर जेट पैक को स्पॉन कराना चाहते हो तो उसके लिए गाइस आप लोग को डाल करना होगा 320। जैसे आप लोग 320 डाल करोगे तो आप लोग गेम के अंदर जेट पैक देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग अपने गेम के अंदर मिनी वाले जेट पैक को स्पॉन कराना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को 330 डाल करना होगा। एंड आप लोग गेम के अंदर मिनी वाला जेट पैक देखने को मिल जाएगा। एंड आप लोग अपने गेम के अंदर पोर्स कार को स्पॉन कराना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को डाल करना होगा 4000। जैसे आप लोग अपने गेम के अंदर 4000 डाल करोगे तो आप लोग गेम के अंदर फोर्स कार देखने को मिल जाएगी। काफी बंदे को मॉन्स्टर कार का चीट कोड नंबर नहीं पता था, चलो मैं आप लोग को मॉन्स्टर कार का भी चीट कोड नंबर बताता हूं। तो उसके लिए आप लोग को 0990 डाल करना होगा। 0990 डाल करोगे तो आप लोग गेम के अंदर मॉन्स्टर थार देखने को मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हो मॉन्स्टर थार स्पॉन हो चुका है। तो गाइस अब मैं आप लोग को न्यू अपडेट में आने वाली रिफ्लेक्स स्कॉर्पियो का चीट कोड नंबर बताता हूं। तो उसके लिए गाइस आप लोग को 333 डाल करना होगा। एंड आप लोग गेम के अंदर स्कॉर्पियो रिप्लेस वाली देखने को मिल जाएगी। स्कॉर्पियो क्लासिक है ये, और ये इस बार के अपडेट में रिप्लेस हुआ था और इसका RGB वाला बग फिक्स कर दिया गया था। और अगर आप लोग अपने गेम के अंदर यहाँ पे 3x4 डाल करते हो तो आप लोग गेम के अंदर स्कॉर्पियो S11 देखने को मिलेगा, और ये भी इस बार की अपडेट में रिप्लेस हुआ था और इसका भी जो RGB कलर का प्रॉब्लम था उसको फिक्स कर दिया गया था। और मैं आप लोग को बजी को आप लोग अपने गेम के अंदर रॉकेट लॉन्चर देखने को कैसे ले सकते हो और इसका चीट कोड नंबर क्या है। तो गाइस अभी आप लोग को पता होगा गाइस, अभी आप लोग को गेम के अंदर 2 लंबोर्गिनी देखने को मिलता है। 4x3 डाल करते हो तो आप लोग गेम के अंदर मॉडिफाइड वाले लंबोर्गिनी देखने को मिलती है। और आप लोग अपने गेम के अंदर 700 डाल करते हो तो आप लोग गेम के अंदर लंबोर्गिनी V2 देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने 700 डाल किया तो यहाँ पे लंबोर्गिनी V2 स्पॉन हो चुका है। यानी कि आप लोग गेम के अंदर गाइस 2 लंबोर्गिनी देखने को मिलता है। एक लंबोर्गिनी को गाइस हमारे गेम के अंदर से रिमूव कर दिया जाएगा और उसके जगह पे गाइस हमारे गेम के अंदर रॉकेट लंबोर्गिनी को ऐड करा जाएगा। आप लोग जो यहाँ पे मॉडिफाइड वाले लंबोर्गिनी देख रहे हो इसको गाइस गेम के अंदर से रिमूव कर दिया जाएगा और इसके जगह पे गाइस हमारे गेम के अंदर जो ओल्ड वाले लंबोर्गिनी देखने को मिलती थी, आप लोग ओल्ड वाला लंबोर्गिनी यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको गाइस मॉडिफाई करके रॉकेट लंबोर्गिनी बनाया जाएगा। ये जो आप लोग को मॉडिफाइड वाले लंबोर्गिनी देखने को मिलती है अभी इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीड गेम के अंदर, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो बात करें गाइस रॉकेट लंबोर्गिनी के चीट कोड नंबर की, तो गाइस हमारे गेम के अंदर जो मॉडिफाइड वाले लंबोर्गिनी का चीट कोड नंबर है वही चीट कोड नंबर गाइस रॉकेट लंबोर्गिनी का भी रहेगा। तो मैं आप लोगों को रॉकेट लंबोर्गिनी का चीट कोड नंबर बता दिया है। तो इस बार की अपडेट के अंदर आप लोगों को रॉकेट लंबोर्गिनी चाहिए तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कर देना कि इसी बार की अपडेट में रिप्लेस होकर गाइस आप लोगों को गेम के अंदर रॉकेट लंबोर्गिनी देखने को मिल जाए। तो अब मैं आप लोगों को बताऊं गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर न्यू मोबाइल फोन को कैसे ले सकते हो। आप लोग देख सकते हो मैं अपने गेम के अंदर न्यू मोबाइल फोन को ले लिया है और गाइस यहां पे अलग अलग आप लोगों को फीचर देखने को मिलता है। यहां पे कस्टमाइज का अलग फीचर देखने को मिलता है, शूज का आप लोग को अलग फीचर देखने को मिलता है। तो इस मोबाइल फोन के अंदर गाइस आप लोगों को काफी सारे फीचर देखने को मिलेगा और फेट्स का तो अलग ही फीचर देखने को मिलेगा। इस मोबाइल के अंदर गाइस जो भी कैरेक्टर का जो भी चीजें रहेगा, मार्क्स वगैरह रहेगा, शूज वगैरह रहेगा, या फिर आप लोग फेट्स वगैरह को स्पॉन कराओगे उसके लिए आप लोग को एड को देखना पड़ेगा। एड आप लोग देखोगे उसके बाद ही वो फीचर आपके कैरेक्टर के ऊपर एक्टिवेट होगा। तो इस मोबाइल फोन के अंदर काफी सारे फीचर रहेगी तो उसके लिए गाइस आप लोग को एड को देखना पड़ेगा, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। और गाइस इस बार की अपडेट के अंदर आप लोग यही वाले फोन को एड करवाना चाहते हो तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कर देना। और गाइस मैं कम्युनिटी पोल में इस मोबाइल फोन के लिए वोटिंग भी डाल दूंगा तो वहां पे आप लोग अधिक से अधिक वोटिंग जरूर कंप्लीट करवा देना ताकि गाइस आप लोग को आने वाले अपडेट के अंदर ही आप लोग को मोबाइल फोन देखने को मिल जाए। अगर आप लोग सेक्रेट तरीके से गेम के अंदर न्यू मोबाइल फोन को लेना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोग को एक सेक्रेट चीट कोड वाली वीडियो देने वाला हूं जिसके अंदर मैं आप लोग को ऑटो रिक्शा का चीट कोड बताऊंगा, ट्रैक्टर का चीट कोड बताऊंगा, न्यू मोबाइल फोन को कैसे ले सकते हो ये बताऊंगा, GTA 5 मोड को कैसे ले सकते हो ये सारी चीजें मैं आप लोग को उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे गाइस मैं सेक्रेट चीट कोड वाली वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड उस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग अपने गेम के अंदर न्यू मोबाइल फोन को कैसे ले सकते हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मैं आप लोग को बता दूंगा इस बार की अपडेट में आप लोगों को पुलिस बाइक देखने को मिलेगा फिर नहीं, तो इसका जवाब क्या है गाइस? तो इसका जवाब यस और नो दोनों है गाइस। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है तो अभी मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं बता सकता कि इस बार की अपडेट में आप लोगों को पुलिस बाइक देखने को मिलेगा फिर नहीं। कंफर्म होगा मैं आप लोगों को वीडियो बना के जरूर बताऊंगा क्योंकि आप लोग पुलिस बाइक के लिए अधिक से अधिक कमेंट कराए तो डेवलपर जरूर हमारे गेम के अंदर पुलिस बाइक को ऐड करेंगे। हमारे गेम के अंदर पुलिस बाइक ऐड हो जाएगा
मिलेगा तो मैं आप लोगों को उसका गेम प्ले भी दिखा दूंगा, साथ में पुलिस बाइक का चीट को नंबर क्या होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हमारे गेम के अंदर पुलिस बाइक ऐड होता है और उसका गेम प्ले आता है तो मैं आप लोगों को गेम प्ले के साथ साथ चीट को नंबर बता दूंगा। और इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि हमारे गेम के अंदर आप लोगों को पुलिस बाइक कैसा देखने को मिलेगा। इस बार की अपडेट में आप लोगों को एक सुपर बाइक मिलने वाला है, क्योंकि काफी टाइम से आप लोगों को गेम के अंदर बाइक देखने को नहीं मिला है, तो इस बार की अपडेट में आप लोगों को सुपर बाइक देखने को जरूर मिलेगा। गाइस आप लोगों को इन बाइक ड्रॉप थ्रेड का गुड न्यूज देता हूं, उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा इस बार की अपडेट में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस इंडियन बाइक ड्रॉपिंग थ्रेड गेम के अंदर जो पुलिस स्टेशन मिल रहा था उस पे वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो पुलिस स्टेशन के अंदर आप लोगों को पुलिसमैन देखने को मिलेगा, जेल के अंदर कैदी देखने को मिलेगा, और ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर वर्क चल रहा है। तो आप लोग पुलिस स्टेशन के अंदर और क्या क्या चीजें ऐड करना चाहते हो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। और गाइस हमारे गेम के अंदर आप लोगों को इस बार की अपडेट में निशान GTR कार मिलेगा। गाइस जी हां गाइस आप लोगों को इस बार की अपडेट में निशान GTR कार मिलेगा, क्योंकि आप लोग निशान GTR का काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हो, लेकिन ओल्ड वाला मॉडल है निशान GTR का, इसलिए डेवलपर ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन डेवलपर इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की अपडेट में आप लोगों को निशान GTR कार देखने को मिल जाए, और निशान GTR कार के अलावा सुपर बाइक देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को बता ही दिया है। और इसके अलावा गाइस इस बार की अपडेट में आप लोगों को ऑडी कार मिल सकता है, पिछली बार की अपडेट में आप लोगों को ऑडी कार न्यू वाला नहीं मिला था, तो इस बार की अपडेट में आप लोगों को न्यू वाला ऑडी कार मिल सकता है। और इसके अलावा आप लोगों को क्या चाहिए आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। तो अब मैं आप लोगों को गुड न्यूज बताता हूं। तो गाइस गुड न्यूज यह है कि गाइस हमारे गेम के अंदर जो आप लोगों को पुलिस कार मिलता है उसको सायरन को ऑन ऑफ करने का फीचर आप लोगों को इस बार की अपडेट में देखने को मिलेगा। गुड न्यूज यह है कि गाइस अब 60% कंफर्म हो चुका है कि हॉस्पिटल आने की संभावना है। और हां गाइस कल की वीडियो आप लोग देखना मत भूलना, क्योंकि गाइस अगर कल पॉसिबल हो पाएगा तो कल मैं आप लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर का गेम प्ले दिखाऊंगा, जेल के अंदर का गेम प्ले दिखाऊंगा कि जेल के अंदर आप लोगों को क्या-क्या चीजें देखने को मिलेगी, और साथ ही पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिस मैन देखने को मिलेगा नजदीक जाके दिखाऊंगा। और हाँ गेम के अंदर आप लोग क्या क्या चीजें ऐड करना चाहते हो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दो। बाकी बात जो इंडियन बाइक ड्रॉपिंग थ्रेड का जो अपडेट है गाइस वो आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वर्क स्टार्ट हो चुका है और 1 वीक से वर्क भी चल रहा है, और अभी पुलिस स्टेशन के ऊपर वर्क फाइनल हुआ है। अब डेवलपर हमारे गेम के अंदर न्यू चीजें ऐड करने वाले हैं, तो न्यू चीजें में आप लोग क्या ऐड करना चाहते हो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दो। मैं आप लोगों को बोला है जो भी आप लोग कमेंट करोगे जिस पे भी अधिक कमेंट रहेगा मैं डेवलपर को बोल के ऐड करवा दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग गेम के अंदर क्या क्या ऐड करवाना चाहते हो। तो आज की वीडियो में इतना गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू टाटा बाय बाय।